मध्य प्रदेश में सत्ता की राजनीति के लिए सियासी और जुबानी हमले के बाद अब लड़ाई पत्थरबाजी तक पहुंच गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के भाजपा में शामिल होने से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सिंधिया की गाड़ी रोकी और पत्थर फेंके। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घटना की निंदा की और कहा कि जिस तरह से सिंधिया पर जानलेवा हमला हुआ है उससे पता चलता है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। अल्पमत की कमलनाथ सरकार ने बौखलाहट में हमला करवाया है। मध्य प्रदेश में आज सियासी भूचाल के बीच अब सियासत अपने निचले स्तर तक पहुंचती जा रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की गाड़ी रोककर उन पर जानलेवा हमले की कोशिश की गई। शुक्रवार को अपना राज्यसभा का नामांकन भरने के बाद जब सिंधिया एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे तभी रास्ते में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उन्हें रोकने की कोशिश की, काले झंडे दिखाए और उनकी गाड़ी की गति धीमी होते ही उन पर हमले का प्रयास किया, उन पर पत्थर फेंके गए। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवराज सिंह चौहान ने इसकी निंदा की है। शिवराज ने कहा, मैं स्तब्ध हूं कि आज प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। प्रदेश में अराजकता का माहौल बना हुआ है। आम आदमी की बात छोड़िए, पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा उम्मीदवार ज्योतिरादित्य सिंधिया के ऊपर जानलेवा हमला करने का प्रयास किया गया है। मैं तो स्तब्ध हूँ, मध्य प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से समाप्त हो गई है। जैसे अराजकता का राज है, आम आदमी की बात छोड़ दीजिए, पूर्व केंद्रीय मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा के बीजेपी के उम्मीदवार श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया के ऊपर जानलेवा हमला करने का प्रयास किया गया, उनकी गाड़ी रोकने की कोशिश की, पत्थर बरसाए गए, गाड़ी के पास आके लोग गाड़ी पर चढ़ने का और रोकने का प्रयास करने लगे, बामुश्किल अपनी जान बचाकर ड्राइवर ने उस गाड़ी को निकाला। अब जब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ यह हो सकता है, जानलेवा हमला हो सकता है, तो सहज ही कल्पना की जा सकती है कि स्थिति कितनी भयावह है। ऐसी सरकार जो बहुमत खो चुकी है, क्या वो बौखलाहट में ऐसे हमले करवा रही है? मैं इस हमले की कड़ी निंदा करता हूं, घोर निंदा करता हूं और ये मांग करता हूं पुलिस से भी, पुलिस प्रशासन से भी, कि घटना की जांच कर जो भी दोषी है हमले के उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और ऐसी घटना को अंजाम देने वाले लोगों को किसी भी कीमत पर छोड़ा ना जाए। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि उनकी गाड़ी को रोकने की कोशिश की गई, उन पर पत्थर बरसाए गए, बमुश्किल ड्राइवर ने वहां से अपनी गाड़ी निकाली। शिवराज ने कहा कि अब आप सहज कल्पना कर सकते हैं कि प्रदेश की स्थिति कैसी होगी। ऐसी सरकार जो बहुमत खो चुकी है वो बौखलाहट में हमले करवा रही है। शिवराज ने पुलिस प्रशासन से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील की है। इस बीच तमाम बीजेपी नेता पुलिस स्टेशन पहुंचे और हमला करने वाले कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं पर मामला दर्ज करने की मांग की। जब पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया तो बीजेपी नेताओं ने पुलिस स्टेशन में धरना दिया। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।